3, 2, 1. झालावाड़ में वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या के विरोध में प्रदेश का वाल्मीकि समाज हुआ लामबंद। हत्याकांड के वायरल वीडियो में दिख रहे अपराधियों को जल्द से जल्द दी जाए सजा। शुक्रवार को अजमेर जिला वाल्मीकि समाज, भाजपा युवा मोर्चा व विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 1 जुलाई को झालावाड़ में हुए वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या के अपराधियों को यथाशीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। वाल्मीकि समाज के युवा नेता अनिल नरवाल ने बताया कि झालावाड़ में आधा दर्जन असामाजिक तत्वों द्वारा हथियारों से लैस होकर वाल्मीकि समाज के युवक कृष्णा वाल्मीकि पर सरेआम मुख्य मार्ग पर उसकी गाड़ी रोककर हथियारों से निर्मम हत्या कर दी गई। अपराधियों ने घटना का वीडियो भी बनाया जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। इस हत्याकांड को झालावाड़ के आदतन अपराधी सागर कुरैशी के इशारे पर उसके गुर्गों द्वारा अंजाम दिया गया। कृष्णा वाल्मीकि की हत्या करने के बाद सभी अपराधी बेखौफ खुलेआम घूम रहे हैं। इस घटना से पूरे प्रदेश में वाल्मीकि समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया है। इसलिए आज मुख्यमंत्री से पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि सागर कुरैशी व उसके सभी साथियों को जो हत्या के इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं बिना विलंब किए गिरफ्तार करने के साथ ही फास्टैग अदालत में केस चलाकर कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। जाँच एजेंसियों को सबूत जुटाने में भी समय खराब नहीं करना चाहिए क्योंकि अपराधियों का अपराध तो घटना के वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है। लिहाजा सरकार व जांच एजेंसियां जल्द से जल्द सजा सुनाकर वाल्मीकि समाज को सुरक्षा प्रदान करें। गत दिनों 1 जुलाई को झालावाड़ में जो मुख्य मार्ग के ऊपर असामाजिक तत्वों द्वारा बहुत बेरहमी से वाल्मीकि समाज के कृष्णा वाल्मीकि की जो हथियारों के साथ लैस होकर हत्या की गई उसके विरोध में आज समग्र वाल्मीकि समाज वे अजमेर के सामाजिक संस्था सामाजिक संगठन व युवा मोर्चा द्वारा कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें यह निवेदन किया गया है मुख्यमंत्री महोदय से कि उक्त सभी झालावाड़ के अपराधियों को सख्त से सख्त जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके सजा दी जाए और इस मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में चलाया जाए। इस मामले के अंदर सबूतों के लिए, गवाहों के लिए प्रशासन समय खराब नहीं करे क्योंकि उक्त घटना जब हुई थी उस समय उसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया था, जो कि वीडियो अपने आप में ही सबूत है। इसलिए प्रशासन सबूत और गवाहों के लिए समय खराब नहीं करके उक्त अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और पकड़ कर गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसलिए वाल्मीकि समाज ने आज कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी। पितरों की आत्मा की शांति व प्रसन्नार्थ किया पिंडदान व तर्पण। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर शुक्रवार को श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर अपने पितरों की आत्मा की शांति व प्रसन्नार्थ पिंडदान व तर्पण किए। कोरोना के चलते घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या अपेक्षाकृत काफ़ी कम रही। सुबह से ही सरोवर के वराघाट, गऊघाट और ब्रह्मघाट पर स्नानार्थियों की आवक शुरू हो गई जो पूरे दिन चलती रही। पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर पुरोहितों को दान दक्षिणा दी गई। अमावस्या तिथि होने से पितृ प्रसन्नार्थ तर्पण व पिंडदान किया गया। पंडित हरि गोपाल पारेशर ने बताया कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसे हलहारणी अमावस्या भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में इस दिन का खास महत्व होता है।
कहा जाता है कि इस दिन से वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है और धरती नम पड़ जाती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी इस दिन विशेष पूजा की जाती है। उन्होंने बताया कि कल शनिवार को भी शनिचरणी अमावस्या का विशेष महत्व है। हालांकि यह सुबह 7:30 बजे तक ही प्रभावी रहेगी। इस शनिचरी अमावस्या पर भी दान पुण्य पूजा अनुष्ठान की खासी महत्ता है। का दिन है। स्वच्छम पुष्करम यज्ञास्थलम पर्वतम माँ शुक्लम कार्तिकम पंच दिवसम ब्रह्मयुवते पुष्करम। आज ब्रह्मा जी के ब्रह्म सरोवर पे पितृ अमावस के दिन आज सभी लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए यहाँ जल तर्पण करने आते हैं और पितरों को जल देने से उनके पूर्वजों में पुत्र में प्राप्ति होती है, वंश में वृद्धि होती है। जिस घर में कलेश रहता है, मान निकले रहा, व्यापार में घाटा हो रहा है, अति नुकसान हो रहा है, उस कर्म को आज के दिन पितृदेवता उसको अमावस बोला जाता है। आज आषाढ़ी अमावस है, इस आषाढ़ी अमावस को हलचंडी भी बोला जाता है क्योंकि आज के दिन बारिश के वर्षा ऋतु प्रारंभ, आगे तो वर्षा ऋतु पहले ही प्रारंभ हो चुकी है परंतु वर्षा ऋतु प्रारंभ के होने के कारण इस अमावस का विशेष महत्व है। और यहाँ पितरों के तर्पण होते हैं, सबसे पहले देव तर्पण किया जाता है, उसके बाद ऋषि तर्पण किया जाता है, उसके बाद दिव्य मनुष्य तर्पण किया जाता है, उसके बाद में यम तर्पण किया जाता है, उसके बाद में पितरों का तर्पण किया जाता है, लास्ट में भीष्म पिता में जो कि अपने रक्षा के लिए उनको भीष्म पिता में को भी तर्पण दिया जाता है। ये सभी तर्पण करके पूर्वजों को जल देते हैं जिससे पितर स्वयं प्रसन्न होते हैं क्योंकि आज पितरों का दिन होने से पितरों का नाम गोत्र लिया जाता है। पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम तपम, पुष्करम दुष्करम दानम। पुष्कर में तप करना, भजन करना, दान करना सब ये भाग्य का खेल है। भगवान राम ने भी अपने पूर्वजों का यह मोक्ष किया था, इसका वर्णन आता है पद्म पुराण में, वायु पुराण में, अग्नि पुराण में, रामायण में, गीता में, सब में वर्णन आता है। पुष्कर गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रवासे पुष्करानी च एतानि मुख्य तीर्थानि श्रद्ध काले भवंतिया। यहाँ पुष्कर में 7 कुल का होता है, गया में होता है, हरिद्वार में होता है, ऋषिकेश में होता है। पुष्कर आज सब तीर्थों का गुरु होने के नाते यहाँ 7 कुल का मोक्ष होता है। पुष्कर में जल देने से साक्षात पितृ देवता जल को लेने को यहाँ प्राप्त होते हैं और पृथ्वी के 2 नेत्र कहलाते हैं, पहला पुष्कर, दूसरा नरसिंह कटाक्षराज। तो यहाँ भगवान ब्रह्मा, जगत पिता ब्रह्मा का ये धाम है और पुष्कर सब तीर्थों का गुरु है। गुरु होने के नाते पितरों को जल दिया जाता है। भगवान ने बोला है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागू पाँव, गुरु बलियारी आपकी गोविंद जी बताए। तो भगवान कहते हैं पहले गुरु के पास जाइए, तब जाके पितरों का ग्रह शांति का ये कार्य सफल होगा। वैसे कल एक अमावस और है जिसको शनिवारी अमावस बोले जाएंगे, वो कुछ घंटे के लिए हैं, सुबह 7 बजे तक रहेगी, शनिचरी अमावस है उसको बोला जाता है। तो शनिदेव का पूजा होता है, तो ये सूर्य शनिदेव जो सूर्य के पुत्र हैं, इसीलिए कल शनि अमावस का भी बड़ा ध्यान है। कल के दिन शनि भगवान को तेल वह लौंग की माला पहनाकर उनका अभिषेक करना चाहिए। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तकनीकी सहायक को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। नसरबाद के परिवादी द्वारा की गई शिकायत पर अजमेर एसीबी ने दिया ट्रैप कार्रवाई को अंजाम। शुक्रवार को नसरबाद गांव देदुला निवासी परिवादी अल्लादीन द्वारा दी गई शिकायत पर अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नसीराबाद में कार्यरत भवानी खेड़ा निवासी तकनीकी सहायक महेंद्र सिंह रावत को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई में एसीबी के हेड कांस्टेबल युवराज सिंह, कांस्टेबल कैलाश सारण, शिवपाल, शिव सिंह, त्रिलोक सिंह और चालक सुरेश शामिल रहे। कार्रवाई की जानकारी देते हुए एएसपी सतनाम सिंह ने बताया कि आरोपी महेंद्र सिंह रावत द्वारा परिवादी अल्लादीन के नसीराबाद सदर अंतर्गत देवला की ढाणी गांव में निर्माणाधीन दुकान पर घिसाई की मशीन व कुएं पर लगे विद्युत कनेक्शन से ली जा रही विद्युत लाइन की फ़ोटो अपने मोबाइल से खींचकर उसको डिलीट करने और VCR नहीं भरने की एवज में 12,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी।
रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन वार्ता के दौरान 11,000 रुपये की रिश्वत लेने पर सहमति बनी और आज 11,000 रुपये की राशि लेते हुए आरोपी महेंद्र सिंह रावत को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई में एसीबी की टीएलओ मीरा बेनीवाल भी मौजूद थीं। नसीराबाद इलाके में देदुला गांव के परिवादी अल्लादीन है, जिसने कल हमें एक प्रार्थना पत्र पेश किया था कि उसके राजोसी गांव का जो लाइनमैन है, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नसीराबाद के अधीन आता है, जो वो उसकी दुकानों पे उसकी घिसाई का काम चल रहा है, उसकी वो फ़ोटो खींच के कुछ दिन पहले ले गया था। उसने उसकी एवज में कि आपकी VCR नहीं भरेंगे, इस एवज में से 12,000 रुपये की मांग करी उससे। तो उसने फिर उस पर अभी उन्हें रिश्वत सत्यापन करवाया तो 11,000 रुपये की मांग उसने माना पाया गया, जिसमें आज उसको 11,000 रुपये देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तो मीरा बेनीवाल और हमारा स्टाफ कार्रवाई कर रहा है। गांव हटुंडी से आए ग्रामवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया जोरदार प्रदर्शन, SP को सौंपा ज्ञापन। आदर्श नगर थाना पुलिस पर गांव के युवकों को मारपीट कर प्रताड़ित करने और बीट इंचार्ज पर पैसे मांगने का लगाया आरोप। शुक्रवार को नजदीकी गांव हटुंडी से आए सैकड़ों महिला पुरुष ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर आदर्श नगर थाना पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। गांव के पूर्व सरपंच के पति जाकिर हुसैन ने बताया कि आदर्श नगर थाना पुलिस गांव के 4 युवकों को रोजाना घंटों थानों में बिठाकर पूछताछ के नाम पर परेशान और प्रताड़ित कर रही है, जबकि उनके खिलाफ कोई जुर्म नहीं है। किसी चोरी के मुकदमे में पकड़े गए लोगों द्वारा उनका नाम लिया जाना बताया जा रहा है। आदर्श नगर थाने में गांव के बीट इंचार्ज राजू मामले को निपटाने के लिए पैसों की डिमांड कर रहा है, जबकि ग्रामीणों के पास कोई पैसा नहीं है। कल थाने पर बुलाए गए युवकों के साथ मारपीट की गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश हो गया। आज पुलिस अधीक्षक से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि आदर्श नगर थाना पुलिस के पुलिस कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, अन्यथा माखोपुरा हाईवे जाम कर दिया जाएगा। पुलिस की भ्रष्ट व दमनकारी नीति को गाँव वाले कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे गांव के 8 से 10 बच्चे हैं, जिनको आए दिन पुलिस किसी न किसी बहाने से पूछताछ के बहाने लगभग 20-25 दिन में 5 बार बुला चुकी है। और वही बात, थाने में आते हैं, घर वाले साथ आते हैं, घर वालों को 2 घंटे बाहर बिठा देते हैं, फिर डराते हैं। CI साहब कहते हैं जाओ राजू जी से मिलो, तो उन्होंने राजू जी को मीडिएटर बना रखा है लेन देन का। और राजू जी के पास जाते हैं गाँव वाले बेचारे, तो बोलता है भाई लेन देन कर ले, नहीं तो हम तेरे बच्चों को झूठे केस में फंसा के इनका भविष्य खराब कर देंगे। इसी नाम है, कौन सा थाना? मेरा गांव ग्राम हटुंडी है और हमारे थाना आदर्श नगर है। और फिर कल भी हमारे बच्चों को बुलाया था, हर गांव के 4 बच्चों को बुलाया था। किस मामले को लेकर बुलाते हैं सर? ये कोई हमारे 3-4 महीने पहले कोई चोरी हुई थी,
उसमें चार मुलजिम थे, चारों गिरफ्तार हैं। अब उनके बहाने से उन दूसरों को बुलाते, उसने तेरा नाम ले लिया, जबकि इन बच्चों पे ना तो कोई पहले कोई चोरी का प्रकरण है। बेचारे शिक्षित पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, ना जाए इनको परेशान। इसका कारण मेन जो है, क्योंकि जो हमारे बीट इंचार्ज है गाँव में, अवैध शराब बिकती है और हम उसकी खिलाफत करते हैं, उनकी मंथली बंदी हुई है, वो पैसा लेते हैं, खुलेआम शराब बिक रही है, जबकि हमारे गांव में ना कोई आबकारी है, ना कोई वहाँ दारू का कोई सिस्टम था इन 5-6 महीनों। इसीलिए उन्होंने कल बुलाया था हमारे बच्चों को, हमने 1 बजे खुद थाने जाके छोड़ा 4 बच्चों को, फिर बोला यार शाम तक आपके छोड़ देंगे 5-4 बच्चों को। 6 बजे 7 बजे हम गए साहब के पास, लड़के के पापा साथ में थे, साहब ने बोला कि आप एक काम करो, भंवर जी थे और बाबू जी थे जो लड़कों के पापा, उनको बोला आप राजू जी से जाकर मिल लो, उनसे बात करो जो भी है छुटाने की। राजू जी के पास गए तो उन्होंने ये भी बात बोली, भाई खर्चा देना पड़ेगा, नहीं तो हम रात भर किसी भी धारा में बंद रख सकते हैं, हमारे पास अधिकार है। फिर हमने कहा भाई 191 में जमानती कराएंगे, पैसा तो अपने पास है नहीं, गरीब आदमी है, तो वापस चले गए घर पे। उसके बाद में 9:30-10 बजे फ़ोन आता है कि आप भंवर जी को लेके आओ, तो हम सब वहीं बैठे थे थाने से 1-1.5 किलोमीटर दूर ही, भाई के क्या बता छोड़ दे उनको। तब थाने पहुंचे तो थाने के अंदर बेहोश हालत में गिरे पड़ा था वो। आज किसके पास आप आए और क्या चाहते हैं? आज हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे ने बयान दिया है कल हमें, कि शेर साहब ने और राजू जी ने और अन्य कोई एक दो पुलिस वाले थे, उनकी मारपीट की वजह से, डॉक्टर ने भी कहा है मारपीट की वजह से वो बेहोश हुआ है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनको तुरंत प्रभाव से नौकरी से हटाया जाए। राजू जी कौन है? जो हमारे बीट इंचार्ज है। और अगर नहीं करेंगे वो, तो हम 5 दिन बाद माकूपुरा हाईवे पूरा गांव मिलके जाम करेगा और इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। तो कल आज हमारे बच्चे हैं, कल किसी का भी बच्चा उस थाने में हो उसके साथ अन्याय वो कर सकते हैं। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मेरी पत्नी पूर्व सरपंच है और मैं गांव का एक सेवक के नाते काम। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों में महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का खामियाजा भुगत रही है जनता, कहा नसीम अख्तर ने। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के विभिन्न संगठनों, मोर्चों, विभागों व प्रकोष्ठों के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई और पेट्रोल पदार्थों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। इसके तहत 7 से 17 जुलाई तक विभिन्न तरीकों से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 7 जुलाई को महिला कांग्रेस द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के बाहर गैस की टंकी पर कफन माला डालकर चूल्हे पर रोटी सेक कर विरोध जताया गया, तो वहीं 8 जुलाई को NSUI और युवा कांग्रेस द्वारा पेट्रोल पंपों पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध व्यक्त किया गया। वहीं आज 9 जुलाई को कांग्रेस के अनुसूचित जाति मोर्चा व विभाग व प्रकोष्ठों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का खामियाजा जनता भुगत रही है, अच्छे दिनों का वादा कर मोदी सरकार आम जनता को गुमराह करने में लगी है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी OBC विभाग द्वारा आज पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया। नसीम अख्तर ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस की कीमतों में बेताशा वृद्धि, खाद्य तेल, दाल, घरेलू सामान सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि से आम जनता त्रस्त है और मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी सरकार की नीतियों को बताकर आमजन को जागरूक करेगा। OBC विभाग के अध्यक्ष महेश चौहान ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज OBC विभाग द्वारा आदर्शनगर पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर आमजन को जागरूक किया है। BJP!
इस अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन, निवर्तमान महासचिव शिव कुमार बंसल, सचिव अभिलाषा विश्नोई, बालमुकुंद टांक, अंकुर त्यागी, नीरज यादव, कैलाश कोमल, ईश्वर टैलियानी, ओबीसी विभाग के संयोजक मामरा सेन, राजस्थान युवा कांग्रेस के सचिव नवीन कछावा, पार्षद द्रौपदी कोहली, सुनील धानका, मंजू बलाई, रागिनी चतुर्वेदी, रेखा कंवर, ममता चौहान, अरुणा कछावा, हेमराज सिसोदिया, राजीव गुप्ता, योगेश उबाना, योगेश सोनी, वीर सिंह चौहान, योगेश चौहान, उमेश सोनी, आनंद प्रकाश मामा, मुकेश सबलानिया, गोपाल नायक, रमेश नायक सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में भाग लिया। कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर 7 से 17 तक महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा। कांग्रेस के विभिन्न अग्रिम संगठनों के द्वारा 7 तारीख को महिला कांग्रेस ने किया था, 8 तारीख को और किया था, आज ओबीसी के द्वारा किया गया। 17 तक ये प्रोग्राम चलेंगे क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के पार हो गए तो आम आदमी की पहुँच से दूर हो गया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसे ही महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे तो लोगों को अपने पुराने दिनों में लौटना पड़ेगा, बैलगाड़ी लानी पड़ेगी, साइकिल पे चलना पड़ेगा। साइकिल का एक प्रदर्शन, इसमें भी साइकिल का प्रदर्शन भी रखा गया एक दिन प्रदेश कांग्रेस के द्वारा। तो मैं तो ये कहूँगी कि मोदी जी और मोदी जी के जितने भी बीजेपी के संगठन के नेता हैं, जब 350 गैस थी, गैस सिलेंडर के दाम 900 के पार हो गए, 900 के पार हो, आम गृहिणी की पहुंच से दूर हो गया गैस, और लोगों ने वापस चूल्हा जलाना स्टार्ट कर दिया ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि जब 900 का गैस सिलेंडर मिलेगा तो आम आदमी सिलेंडर लाएगा कि अपने खाने पीने की व्यवस्था करेगा। और तेल, जो खाने की तेल दालों के मूल्य आसमान को छू रहे हैं, खाने खाद्य पदार्थ की सामग्री इतनी महंगी हो गई है, आम आदमी से पहुँच से दूर हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं और खाद्य सामग्री के दाम बढ़ते हैं तो आम आदमी को बहुत परेशानी होती है, मध्यम वर्ग को परेशानी होती है और आम आदमी इससे त्रस्त होता है, आम गृहिणी त्रस्त है, आम जनता त्रस्त है। वो नेता कहाँ गए जो गैस सिलेंडर लेकर बैठते थे जब 350 रुपये गैस सिलेंडर था और सब्जियां लेकर बैठते थे, आज वो दिखाई नहीं देते जब 900 के पार गैस पहुंच गई है, 100 के पार पेट्रोल पहुंच गया है। तो मैं तो उनसे अपील करना चाहूंगी कि वेट के दायरे में लाकर इस पेट्रोल और डीजल के दाम कम करें। जुलाई जुलाई में 4-6 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो महंगाई अपने चरम पर है। इनको, बीजेपी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि आम जनता की पहुँच से दूर कर दी खाद्य सामग्री, गैस और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, रोज़ बढ़ा रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? क्या सरकारें इसलिए चुनी जाती है कि लोगों की पहुंच से दूर हर चीज़ कर दो? आप बीजेपी को जनादेश दिया जनता ने, तो जनता के साथ ये ऐसा व्यवहार क्यों महंगाई बढ़ाकर? तो महंगाई का पुरजोर तरीके से कांग्रेस विरोध करती है और 7 से 17 तक का जो आयोजन है उसमें मेरी आम जनता से अपील है, कांग्रेस का कार्यकर्ता तो प्रदर्शन कर ही रहा, आम जनता से अपील है कि इस प्रदर्शन में शामिल होकर आम जनता की जो चीज़ें, आम जनता की जो पहुंच से दूर चीज़ें हो रही हैं उनको आम जनता के पास पहुंच कैसे सुविधा उपलब्ध हो, कैसे महंगाई को कम किया जाए, मेरी मोदी जी की बीजेपी की सरकार से मांग है, इस महंगाई को कम करें, आम जनता को राहत प्रदान करें। फेसबुक पर दोस्ती बनाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप, परिवादिया ने रामगंज थाने में न्यू गोविंद नगर के रहने वाली प्रवीण मोरवार पर लगाए गंभीर आरोप। उदयपुर की रहने वाली परिवादिया जो हाल रामगंज में रह रही है, उसने रामगंज थाने पर अपने साथ शादी का झांसा देकर देह शोषण करने का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं आरोपी के पिता द्वारा उसकी नाबालिग बेटी के साथ बदनीयती रखने का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस एक ही मुकदमे में दोनों को आरोपी बनाकर अनुसंधान में जुटी है। रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल किशन सिंह ने बताया कि परिवादिया ने रामगंज न्यू गोविंद नगर निवासी प्रवीण मोरवाल पर आरोप लगाया कि उसने फेसबुक से दोस्ती बनाकर उसे शादी करने की कहकर अजमेर बुला लिया। यहाँ लगभग 1 साल से ज़्यादा समय हो गया लेकिन उसने शादी नहीं की। इस बीच उनके एक बच्ची भी पैदा हो गई।
इस आरोप पर आईपीसी की धारा 376, 406 और 7-8 पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपियान की तलाश की जा रही है। उदयपुर की रहने वाली पीड़िता ने हाल निवासी थाना क्षेत्र रामगंज ने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरी पूर्व से मैं शादीशुदा हूं और मेरे दो बच्चे हैं जिसमें एक बालिक है एक नाबालिग है और मेरे पति से मेरा संबंध विच्छेद हो गया है। मैं अलग रह रही थी। इस दौरान मेरे फेसबुक से प्रवीण मोरवाल से संपर्क हुआ और मित्रता बढ़ी और उसने मुझे शादी का झांसा देके अजमेर बुलाया और मैं यहाँ रहने लगी। उससे एक मेरे बच्चे भी पैदा हुई है। वो मेरी बिगड़ सहमति के बलात्संग किया है जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है और प्रवीण मोरवाल के पिताजी के द्वारा भी मेरी नाबालिग बच्ची के साथ में छेड़छाड़ हुआ है जिस पर भी उसी प्रकरण में नामजद है जिसका प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है। धारा कौन सी? इसमें धाराएं हैं 376, 406 IPC और 7-8 पॉक्सो एक्ट। आपका नाम? किशन सिंह, हेड कांस्टेबल पुलिस थाना रामगंज। ये कहां पर रहता था? यहां पर ये न्यू गोविंद नगर रामगंज अजमेर का रहने वाला है। कल्याणीपुरा में रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग को सांप ने काटा, अस्पताल में दौरान इलाज हुई मौत। वहीं मुखबिर की सूचना पर अलवरगेट थाना पुलिस ने 5 पेटी अवैध देशी शराब सहित आरोपी को किया गिरफ्तार। अलवरगेट थाने के सब इंस्पेक्टर दातार सिंह मेड़तिया ने बताया कि 1 जुलाई को कल्याणीपुरा में रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग मिश्री लाल को घर में सोते समय एक जहरीले सांप ने काट लिया जिसको जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज जारी था। कल दौरान इलाज मिश्री लाल की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचकर लाश का पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। आगे अनुसंधान जारी है। दिनांक 1/7/21 को कल्याणपुरा निवासी 70 वर्षीय मिश्री लाल जो कि अपने घर पे सो रहा था जिसको सांप द्वारा काट लिया गया था जिस पर उसका हॉस्पिटल में भर्ती था जहाँ इलाज चल रहा था जिसके दौरान इलाज कल उसकी मौत हो गई जिसकी बॉडी का आज पोस्टमार्टम कराया गया है और पोस्टमार्टम करा करके इलाज परेशान से कर दी है जिसमें अनुसंधान जाँच जारी है। सब इंस्पेक्टर दातार सिंह मेड़तिया ने बताया कि पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद शर्मा के निर्देशानुसार अवैध मादक व नशीले पदार्थों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत गुरुवार शाम दौरान गश्त मुखबिर से सूचना मिली कि जादूगर इलाके में एक युवक अवैध शराब बेच रहा है जिस पर मौके पर पहुंचे तो कन्हैया उर्फ अन्ना को 5 पेटी अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। आरोपी कन्हैया उर्फ अन्ना पर पूर्व में भी 7 मुकदमे लंबित हैं। वहीं इसकी मां के ऊपर 25 मुकदमे शराब व मादक पदार्थों की तस्करी के लंबित चल रहे हैं। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
दिनांक 8/7/21 को अजमेर शहर में अवैध कार्यों की धरपकड़ के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री जगदीश रंजन शर्मा के आदेश अनुसार एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कल मैं मेरे जाब्ते के गश्त में था। दौरान ने गश्त सूचना मिली मुखबिर से कि जादूगर में एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है, जिस पर मौके पर पहुंचे, जहां पर श्री कन्हैया और अन्ना सुनो महेंद्र सिंह जाति कोहली उम्र 23 साल निवासी खटपुरा जादूगर को अवैध शराब के साथ पकड़ा, जिसके पास में 5 पेटी अवैध देसी शराब मिली, जिनको मौके पर जब्त की गई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस आरोपी का पूर्व में भी इसके खिलाफ 7 मुकदमे हैं और इसकी माँ के खिलाफ भी करीब 25 मुकदमे हैं और इनको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। नगर निगम में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लोकेशन ट्रैकिंग ऐप का किया शुभारंभ। 82.5 लाख रुपए की लागत से 3 साल के लिए बने इस ऐप का कोरोना की वजह से 1 साल हुआ लैप्स। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जहां शहर के सौंदर्यीकरण व विकास के लिए लगभग 950 करोड़ रुपए के काम कराए जा रहे हैं, वहीं नगर निगम को डिजिटलाइज व हाईटेक करने के लिए आज ऑटो टिपर व सिटी बसों के लिए ट्रैकिंग सिस्टम आधारित ऐप लॉन्च किया गया। हालांकि 3 साल के लिए लगभग 82.5 लाख रुपए की लागत से बनाए गए इस ऐप का टेंडर कलकत्ता की मैसर्स वास्प इन्फोटेक को दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर IoT डिवाइस के निर्धारित 3 साल के समय में से 1 साल तो कोरोना के कारण लैप्स हो चुका है। वर्ष 2023 तक अजमेर वासी इस ऐप का उपयोग कर सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से मोबाइल पर कचरा संग्रहण के लिए आने वाले ऑटो टिपर, अजमेर शहर में 7 रूटों पर चलने वाली निगम की बसों की लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी। आने वाले समय में नगर निगम अजमेर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लिंक रहेगा। अजमेर के पर्यटन स्थलों की सूची गूगल मैप ऑफ पार्क, पब्लिक टॉयलेट, इंदिरा रसोई, कम्युनिटी हॉल, आश्रय स्थल, पार्किंग, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड और उपयोगकर्ता अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड भी देख सकेंगे। इसके अलावा अजमेर के महत्वपूर्ण संपर्क विवरण, डिजिटल न्यूज लिंक भी उपलब्ध रहेंगे। इस मौके पर नगर निगम महापौर बिलदहाड़ा और उपमहापौर नीरज जैन ने जहाँ इस ऐप की प्रशंसा की, वहीं स्मार्ट सिटी के कामों में देरी और रोड़ा अटकाने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, अजमेर की जनता और पार्षद हमारे नगर निगम के हैं, उनको एक समस्या बार बार आती थी, जो ऑटो टिपर कचरा संग्रहण का काम डोर टू डोर का अजमेर में राजस्थान में सबसे पहले शुरू हुआ था, वो डोर टू डोर का संग्रहण करने वाले जो ऑटो टिपर थे उनकी टाइमिंग को लेकर के, उनके आने को लेकर के, उनकी लोकेशन को लेकर के हमेशा समस्या रहती थी। आम जन इससे परेशान रहता था, कई बार ऑटो टिपर टाइम से पहले आ गया, कभी लेट हो गया, तो जिनको कचरा देना होता था वो कचरा नहीं दे पाते थे, कभी कभार उसकी जो सायरन है वो नहीं चल रहा होता था। तो इनके कारण ये समस्या केवल मात्र जनता को ही नहीं, हम पार्षदों को भी आती थी। निश्चित रूप से ये अजमेर सिटीजन ऐप लॉन्च होने के बाद से उसका टाइमिंग, उसका लोकेशन और किस स्थान पर कब पहुँचा, इसकी जानकारी अधिकारियों को भी रहेगी और आमजन को भी रहेगी। आमजन इस ऐप को जब डाउनलोड करेगा, अपने कचरे की शिकायत, जो संग्रहण की शिकायत है वो भी, और जगह जगह जहाँ पर भी इनको गंदगी को लेकर शिकायत है वो कंप्लेंट लॉज करा पाएगा। साथ ही अजमेर की जनता को जो सिटी बस नगर निगम चला रही है उसकी लोकेशन भी इस GPS सिस्टम से जुड़ने के कारण से जानकारी रहेगी, वो अपनी अपने स्थान से उन बसों को जहाँ पर उनको पहुँचना है उसके लिए टाइमिंग पर पहुँच करके उस बस स्टैंड से बस ले पाएंगे। ये सुविधा अजमेर के लिए, और केवल बात इसमें सिर्फ GPS सिस्टम से ऑटो टिपर ही नहीं, बसेज ही नहीं, आने वाले समय में हमारे जो पार्क्स हैं, हमारे यूरिनल्स हैं, हमारे और जो यूटिलिटी जो नगर निगम की है, उन यूटिलिटी और अजमेर के जो दर्शनीय स्थल है उनके पॉइंट्स भी जो है उनको भी जोड़ा जाएगा, जिसके कारण से आने वाले टूरिस्टों को भी फायदा होगा
और ये एक ऐतिहासिक कदम है और अजमेर की जनता के लिए और अजमेर के सभी पार्षदों के लिए एक सुविधा इससे उपलब्ध होने वाली है। जहाँ तक ये कांग्रेस के हमारी साथी पार्षद का आरोप है कि ये दो साल पहले लॉन्च होना था और इसमें इतना टाइम क्यों लग गया, तो मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जब इसके लिए पहली बार प्लानिंग हुई तब से आज तक 1.5 साल का समय निकला है। कोरोना काल के कारण से इसकी लॉन्चिंग प्रॉपरली नहीं हो पाई। दिसंबर 2020 में इसकी लॉन्चिंग होनी थी लेकिन नगर निगम के चुनाव नहीं होने के कारण से 6 महीने से चुनाव नहीं हुए और डीलिमिटेशन के कारण से वार्ड्स बढ़ गए। पहले 60 वार्ड के हिसाब से रचना की हुई थी, वार्ड 80 हो गए। 80 वार्ड होने के कारण से इसकी रचना को वापस से बदलना पड़ा और लॉन्चिंग से पहले फिर कोरोना के कारण से 4 महीने से सब पूरा राजस्थान पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था। ऐसी स्थिति में इसकी लॉन्चिंग में देरी हुई। निश्चित रूप से उनका यह प्रश्न जायज है कि इसकी देरी का खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा। इसका खामियाजा किसी को नहीं भुगतना है। आज जब ये लॉन्चिंग हुई है 2020 से तो अगले 3 साल तक ये ऐप काम करने वाला है। आने वाले टाइम में और इसमें अपडेशन और अपग्रेडेशन हो जाएंगे तो ये ऐप को लंबे समय तक हम अजमेर के लिए काम में ले पाएंगे। और रही बात उनकी किसके लिए दोषी कौन, मुझे लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने का जो घोषणा 2016 में की थी, लगातार अजमेर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को जो वित्तीय सहायता केंद्र सरकार को देनी थी वो देते रहे, लेकिन 2018 में जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई स्मार्ट सिटी के कामों को ब्रेक लग गया, स्मार्ट सिटी के काम रुक गए। मुझे लगता है कि इनको ये सवाल अपने मुख्यमंत्री और अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि अजमेर के स्मार्ट सिटी के काम में इतनी ढिलाई लापरवाही क्यों हुई कि अजमेर स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जो 19 से गिर करके 27 में पहुंच गई और जो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए उसके लिए दोषी कौन है, वो साफ साफ पता लगता है कि केंद्र सरकार की योजना को ठीक ढंग से लागू नहीं कर पाना, इसके लिए इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अजमेर की रैंकिंग गिरने और इसके लिए दोषी राजस्थान सरकार। आज ये अजमेर सिटीजन एक मिनट खान गया एक चलो पूछो। हाँ जी मैम, जी मैम, आज जो है अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जो है अजमेर सिटीजन ऐप का आज लॉन्च किया गया है, तो इसके माध्यम से आप ये मालूम मतलब जो वार्डवासी हैं वो भी ये पता कर सकेंगे कि ऑटो टिपर कहाँ कितनी देर में आपके पास आएगा। इसी को लेकर और आगे भी जो अपने और भी शहर में जो सिटी बसें चल रही निगम की उसका भी मालूम पड़ जाएगा कि किस जगह और कितने वक्त में आने वाली है, इनका स्टॉप कितने बजे का है आने का, तो ये सब चीज़ों को देखकर ये लॉन्च किया गया। ऑटो टिपर तो है ही, और भी कई जो शिकायतें हैं और भी कोई चीज़ें पूरे मसले को लेकर अभी आपके सामने आपके कांग्रेस के आप कौन आप कौन लेकिन पहले बताओ जी आप कौन पार्षद हो या कौन मीडिया तो खड़े तो मीडिया वाले हैं। नहीं तो मुझे नहीं पता इन सबके पास देखो मोबाइल और ये हाथ में ये है, आपके पास कुछ नहीं इसलिए पूछ रही हूँ। इसलिए पूछ रही हूँ कैमरा पर्सन भाई करते हैं और खड़े होकर बात करते हैं। तो आप बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपके समक्ष कांग्रेस के पार्षद ने स्पष्ट कहा है कि 3 साल बिजली एक साल खराब कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे। अब इस विषय में तो मैं क्या कह सकती हूँ, सरकार इनकी है, सरकार तो हमारी तो है नहीं बीजेपी की, तो जो कुछ भी देरदार है सरकार की वजह से, हम कुछ नहीं कर सकते इसलिए ये है। इन्हीं की सरकार है आप कह रहे हैं, इनकी सरकार है यही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लॉन्च करने वाली नगर निगम लॉन्च स्मार्ट सिटी के तहत किया गया है तो ऐसी स्थिति में मॉनिटरिंग कैसे होगी और जो ये समय अभी दिखा रहे हैं इसका निराकरण कैसे किया जाएगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला है। इसके लिए स्मार्ट सिटी वालों से बात करेंगे हम, क्या है क्या नहीं है। अगर इससे पहले ये ऐप का उद्घाटन कर दिया जाता तो स्मार्ट सिटी में कितना फायदा फायदा होता, काफ़ी फायदा होता, अब ये लेट हुए थोड़ा।
तो वहीं कांग्रेस की पार्षद द्रौपदी कोहली ने इस ऐप के क्रियान्वयन में घोटालों का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। उनका कहना था कि स्मार्ट सिटी के कामों में नगर निगम भी एक पार्टनर संस्था है, लेकिन वहां के ट्रस्टी होने के नाते हमें उनकी कोई जानकारी नहीं दी जाती। 85.5 लाख रुपये से 3 साल के लिए इस ऐप को बनाने का औचित्य समझ नहीं आ रहा, जिसमें भी 1 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो चुका है। ये देखिए, ये स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। और इसके अंतर्गत जो ऐप डाउनलोड की बात आ रही है, अगर ऐप डाउनलोड करवाना था, हम इसमें ये कहते हैं इसके विरोध में नहीं कि ऐप नहीं बनना चाहिए, ऐप बनना चाहिए, जरूरी है स्मार्ट सिटी के लिए। आज तक स्मार्ट सिटी में हम बार बार यही प्रश्न करते हैं कि आप अजमेर स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हो, अजमेर को कैसे स्मार्ट बनाओगे, कुछ इस तरह के मेरे को तो दिख नहीं रहा। 3 साल का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हो गया, आज तक कभी भी स्मार्ट सिटी में पूरे सर्वे होता, कंपटीशन होता, उसमें कभी भी नगर निगम अजमेर का कोई सहभागिता नहीं है आज तक। ऐसा क्यों भाई? पैसे तो नगर निगम भी खर्च कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, तो ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए ना, नंबर 1 आवे, 2 आवे, 3 आवे, 4 आवे, 10 नंबर तक चला जावे, या तो 100 नंबर तक लिस्ट में नाम ही नहीं आता कभी भी। तो हमारे कर्मचारी और ये जो स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हैं, वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं भाई? हमारा पूछने का अधिकार है, क्योंकि हम नगर निगम के ट्रस्टी है और पूछने का अधिकार रखते हैं। और पिछले 4 सालों से हम यही पूछते आ रहे हैं, लेकिन कहीं मुझे कहीं स्मार्ट सिटी, आज भी आप ये जो ऐप बनाया इन्होंने, ऐप में देखिए तारीख दी है इन्होंने खुद ने कि 2020 में इन्होंने 82.32 लाख का टेंडर किया कोई, और टेंडर की कार्य की अवधि दी इन्होंने 17 मार्च 2020, और कार्य पूर्ण होने की तारीख दी इन्होंने 19/12/2020, और 3 साल समय दिया इसका। अब 3 साल में 1 साल तो वही निकल गया, ये मान भी लिया कि कोरोना का निकल गया, तो ये जो डाउनलोड करेंगे पैसे तो जनता सरकार पब्लिक के लगने ना, डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि फ्री में डाउनलोड का निकाला आपने कि फ्री में डाउनलोड करो आप, इसको ऐसा कोई दिया है क्या इसमें कि फ्री में डाउनलोड हो? मुझे तो इसके मन, इसके पीछे सारी घोटाला ही घोटाले नज़र आते हैं, इसमें कोई मंशा है, सारी मंशा ऐसी ही लग रही है। बिल्कुल जांच की मांग करेंगे, अगर ऐसा आएगा तो जांच की भी मांग करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? आम आदमी पार्टी का बिजली बिलों को माफ करने और 200 यूनिट बिजली देने को लेकर जारी है आंदोलन। आप चली बाजार अभियान के अंतर्गत नया बाजार में व्यापारियों से पोस्ट कार्ड पर करवाए हस्ताक्षर। कोरोना काल के बिजली बिल माफी, बिजली की दरें कम करने व प्रदेश में प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग को लेकर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी अजमेर ने महिला शक्ति प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक के नेतृत्व में आप चली बाजार अभियान के तहत नया बाजार क्षेत्र में व्यापारियों से संपर्क कर वार्तालाप किया और पोस्ट कार्ड पर हस्ताक्षर करवाए। महिला शक्ति प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक ने बताया कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दूसरी जगह से बिजली लेकर कम दरों पर दिल्ली वासियों को दे रही है, तो फिर राजस्थान में जहां खुद बिजली उत्पादन हो रहा है, इतनी महंगी बिजली क्यों? प्रदेश की कांग्रेस सरकार और बिजली कंपनियां मिलकर आम जनता को फिक्स चार्ज मीटर किराया और ना जाने कौन कौन से चार्ज लगाकर हर महीने लूट का शिकार बना रही हैं। आम आदमी पार्टी की मांग है कि 3 महीने लॉकडाउन के दरमियान का बिजली बिल माफ़ किया जाए, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए और बिजली के बिलों में दरें कम की जाए। जब तक यह मांगें पूरी नहीं होती, तब तक आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश भर में आंदोलन जारी रखेगी। आपके अभियान के दौरान दुकानदारों ने लॉकडाउन की अवधि में आए बढ़े हुए बिजली के बिल पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिखाए और अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी के दौरान जहां लॉकडाउन के समय में हमारी दुकानें बंद रहीं, उस समय में भी हर महीने की तरह पिछले महीने से बढ़ा हुआ बिल भेजा गया है, जिसमें तो लॉकडाउन के समय में बिजली का बिल्कुल भी उपभोग नहीं हुआ और बिजली विभाग ने एवरेज बिल भेजा है, बिना यूनिट लिए उसकी जांच और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आज के अभियान में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अफाक अली, साउथ विधानसभा अध्यक्ष हेमंत गहरवार, महिला शक्ति उपाध्यक्ष विमला वर्मा, जिला सह कोषाध्यक्ष राजेश नायक, टैक्सी टेम्पो चालक जिला उपाध्यक्ष दीपक कुमार, ललिता हेमनंदनी, मीडिया प्रभारी पृथ्वी सिंह नरुका, ऋषि दत्त शर्मा व अन्य कार्यकर्ताओं का सक्रिय योगदान रहा।
आप चली बाजार नाम का अभियान सतत रूप से चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज नए बाजार के अंदर पोस्ट कार्ड अभियान था और यहाँ पर आकर लोगों को वही समझाइश करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अपने हक के लिए जगाने की कोशिश कर रहे हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली चाहिए, क्योंकि जब दिल्ली की सरकार बिना उत्पादन किए बिजली और 200 यूनिट फ्री बिजली दे सकती है प्रतिमाह, तो राजस्थान की सरकार जो बिजली का उत्पादन करती है वो क्यों नहीं दे सकती। साथ में बिजली की दरें जब राजस्थान की सरकार को कम पैसे में मिलता है, लेकिन वो बिजली कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, बिजली कंपनियों के भ्रष्टाचार को नज़रअंदाज करके जब वो पैसे हमारे से महंगे लेती है, तो उसका विरोध करते हैं। हमको कम दर पे वो चाहिए, हम उस भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं जो बिजली कंपनियां करती हैं, उसको आम आदमी क्यों भुगतेगा। इसके अलावा आम आदमी के जो 3 महीने के बिजली के बिल हैं, जो कोविड काल था जहाँ पर कभी भी उनके पास नौकरी नहीं थी, कोई कमाई का साधन नहीं था, तो वो सरकार को देना ही होगा। इसके लिए सर इन सब लोगों को जगाने की कोशिश है। आज किस तरह से आज बहुत ही बढ़िया वो रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी 10 जने तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोगों की जुड़ने का क्या है, आम आदमी पार्टी शायद वहाँ पहुँच नहीं पा रही थी जहाँ लोग जुड़ना चाह रहे थे, तो लोग आगे बढ़ के जुड़ने आते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत ही उनको समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी अब एक्टिवली उनका काम करना चाह रही है, गरीबों का साथ देना चाह रही है, मिडिल क्लास का साथ देना चाह रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग पूंजीपतियों के अगेंस्ट हैं, पूंजीपति भी अगर आप देखें तो इन दिनों बहुत परेशान रहा है, क्योंकि बिजली के बिल उनके भी बढ़ चढ़ के आए हैं। तो आम आदमी पार्टी सबके लिए काम करना चाहती है, सबके बीच में आए हैं, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonin.com, सच के साथ।